तो हमने जब अजलान गर्ल्स हॉस्टल बनाया था, मैंने पहले पहला व्लॉग उसका जब डाला था, तो माशाल्लाह से वो एक महीने के अंदर अंदर पूरा फुल हो गया था। तो अब हमारे पास जगह नहीं है, अब हमारे पास क्वेरीज भी बहुत आती हैं कि हमारे हॉस्टल चाहिए, प्लीज़ हमें रूम दे दें, ये दे दें, बेड चाहिए, हमें आपके पास ही रहना है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच, जजाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमसे ये सुना नहीं जा रहा था, रहा नहीं जा रहा था, इसलिए हम आपके लिए ले आए हैं जहरान गर्ल्स हॉस्टल। हाँ जी, हाँ जी, तो हम आपके लिए ले आए हैं जहरान गर्ल्स हॉस्टल। हमने बोला क्यों ना, अगर आप लोगों में से इतने आप लोग की डिमांड है कि आप लोग ने हमारे पास ही रहना है, अजलान का अजलान के नाम पे तो एक हॉस्टल बन गया है, क्यों ना अपने दूसरे बच्चे के प्यारे प्यारे बच्चे के नाम पे भी हॉस्टल बनाया जाए। तो हमने जहरान गर्ल्स हॉस्टल भी बना लिया है। टेंशन लेने की जगह बात नहीं, अब जगह ही जगह है हमारे पास, ठीक है। अब ये भी जल्दी से फुल ना हो जाए, इसलिए आप लोग जल्दी से अपनी सीट्स बुक कर लेना अगर आप लोग हॉस्टल ढूंढ रहे हो, ठीक है। एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ इसका। खैर, एक एंट्रेंस तो वैसे वो भी आती है जो मगर सबसे प्यारी एंट्रेंस है हमारे पास, वो ये है। ये देख सकते हैं बच्चे सामने खेल भी रहे, ग्राउंड भी है, छोटे छोटे बच्चे। और गाड़ी मज़े की बात है, वहाँ से ये गेट तक आएगी और आपके अंदर चले जाना है। बस ये दरवाज़ा हम चेंज कर रहे हैं, ऐसा ऐसा भी बन रहा है, देखिए रेनोवेट अभी हो रहा है, टेंशन नहीं ले, मगर रेडी है, अंदर रूम्स वगैरह रेडी हैं, तो ये जगह देख सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है, सुकून दे। आ जाए चल के फिर आप लोग को अंदर रूम भी विजिट करवा देता हूँ। तो मैं ये है एंट्रेंस, ऊपर काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा शोर होगा। ये भी रिसेप्शन टेबल रखा है अभी, यहाँ पे वार्डन बैठती है हमारी, मगर अभी हम इसको और सेट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो भाइयों, ये हमारी एंट्रेंस है, ठीक है, ऊपर चल के आप लोग को रूम दिखा देता हूँ। कैमराज लगे हुए हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो आप लोग को पहले रूम की तरफ ले चलता हूँ। ये रूम है दो, ये रूम है सिंगल रूम, जिसको अगर अकेले को रहना है, जो अकेला रहनी लड़की पसंद करती है, तो उसके लिए ये रूम है। यहाँ पे बेड आ जाते हैं, टेबल है, सर स्टडिंग टेबल है, ठीक है। बहुत प्यारी सी बेल्कनी है हमारे पास, यहाँ पे आपको मिलती है आराम से, यहाँ पे आप चिल भी कर सकते हो, ठीक है, सुकून दे माहौल है। तो ये सिंगल लड़की के लिए, अगर किसी को अकेला बेड चाहिए, अकेला रहना है, विज़िट करवाओ ना ब्रो यार हॉस्टल। ये देखो, ये है 4 बेड वाला रूम, 4 बेड जिसमें लगे हैं, जिसमें लड़कियों ने अकेला नहीं रहना, 4 बेड शेयरिंग में रहना, तो वो ये रूम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 4 बेड लगे हैं और साथ ही स्टडिंग टेबल है, ठीक है। इसके साथ भी बेल्कनी नहीं है, बेल्कनी खैर आप बाहर से जा सकते हो, हाँ बाहर से रास्ता है। खैर, अगर आपको इस रूम के साथ ही बेल्कनी चाहिए ना, तो मिलती है बेल्कनी, आप बाहर से आके ये बेल्कनी है आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात, आपको वॉशरूम दिखाऊंगा ना, आप लोगों ने भागा भगाना है, गारंटी बात है, जकूजी भी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो। आप लोगों को किस हॉस्टल में, कौन सा हॉस्टल आपको जकूजी देता है जी, हम लोग जकूजी भी देते हैं, ये जकूजी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाथ वगैरह धोने की जगह, ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है नहाने की जगह, ठीक है, ये शॉवर एरिया है, और ये रहा वॉशरूम एरिया सेपरेट, ठीक है। और कबर्ड, वार्डरोब देखे तो पक्की बात है आप लोग ज़रूर खुश हो गए, ये देखें, ये वॉकिंग वार्डरोब हमने दिया है। मुझे बताएं कौन सा हॉस्टल आप लोगों को ऐसा वॉशरूम देता है, अगर कोई है पाकिस्तान में ऐसा हॉस्टल जिसने ऐसा वॉशरूम दिया है, भाई सबको फ्री ठहराएगा इधर, पक्की बात है। जकूजी, हाथ धोने वाला, नहाने वाला अलग, ज़्यादा ही दे रहे हैं हम लोग। तो ये था हमारा एक पोर्शन, जिसमें एक सिंगल बेडरूम वाला एक रूम साथ है और एक 4 बेड वाला, ठीक है। जो लड़की नहीं अफोर्ड कर पाती, वो बोलती है मैं अकेला नहीं रहना चाहती, मैं शेयरिंग में रहना चाहती हूँ, तो वो 4 बेड 4 लड़कियों के साथ भी रह सकती है, जो अकेली रहना चाहती है वो अकेली भी रह सकती है। इन दोनों के वॉशरूम एक ही है, जकूजी वाला, ठीक है, और बेल्कनी भी एक ही है, दोनों रूम वाली लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं बेल्कनी, ठीक है। और ये वाला वॉशरूम, ये हो गया एक अपार्टमेंट टाइप। और ये है हमारा किचन, कॉमन किचन, जो कॉमन किचन जो सबके लिए यूज़ होगा। किचन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह खुला है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। किचन में भी हमारी वो है बेल्कनी, ठीक है, लॉटरी एरिया टाइप समथिंग लगा लें। पीछे से हमारे पास ये व्यू आता है बास्केटबॉल ग्राउंड का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा किचन, कॉमन किचन, जो ज़्यादा लड़कियों के लिए यूज़ होगा, ओके। तो ये फिर हमारे पास है ऊपर का पोर्शन, देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ लड़कियाँ आ भी गई हैं बुकिंग, अभी हमने वीडियो भी नहीं लगाई, बुकिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से सीट्स बुक कर ले जी, ईमेल दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पे। तो ये ओपन एरिया हमारी छत पे जो पोर्शन बना है, ये वो है, देखिए कितना सुकून दे, खुला खुला ताज़ी हवा आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ये हमारे रूम्स हैं, पहले ये आ जाता है कॉमन वॉशरूम, ठीक है, यहाँ पर अभी हाथ धोने वाला बन रहा है। वॉशरूम देखिए आप कितने खुले और कितने साफ़ हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमारे पास आ जाता है ये 2 बेड वाला रूम, कोई दोस्तें आती हैं, कोई बोलती हैं कि यार हमने दोनों साथ रहना है, तो उनके लिए ये रूम है, ठीक है। स्टडिंग टेबल दे दिया, वार्डरोब दे दिया, कबर्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया, ठीक है, 2 बेड दे दिए। फिर ये हमारे पास आ जाता है 2 बेड वाला, अगर कोई बोलता है हमें दो एक साथ रहना, मगर हमें अटैच वॉशरूम भी साथ चाहिए, तो उनके लिए ये रूम है, ठीक है।
उनको यहाँ पे अटैच वॉशरूम साथ दे दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास तीन रूम्स हैं, एक टू बेड वाला ये है, ठीक है, दो बेड ये भी दो बेडरूम है, ये इन दोनों के साथ अटैच वॉशरूम नहीं है, इनका वॉशरूम ये रहा। यस, और एक ये रहा टू बेड वाला रूम, ठीक है, खिड़कियाँ दी हुई हैं, विंडोज़ वगैरह, खुली हवा, ताज़ी हवा लो भैयों, आई मीन मेरी बहनों। और अगर आप लोगों को मैं एक सबसे मज़े की बात बताऊं, जिससे शायद आप लोग सुन के बस आप लोग भागे भागे हमारे हॉस्टल में आ जाएं, कि वो ये है, यहाँ पे बिजली का मसला ही नहीं है, यहाँ पे लाइट जाती ही नहीं, भला क्यों? क्योंकि जी हमने लगाए हुए हैं सोलर पैनल। हाँ जी, देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10 प्लेटें लगी हुई हैं, 10 नहीं है सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात प्लेटें लगी हैं, 7-8 प्लेटें। तो लाइट की तो आप लोग टेंशन ही छोड़ दें, बच्ची आते हैं पढ़ने, आती हैं लड़कियां वगैरह एग्ज़ाम्स देने आती हैं, मैं थक गया हूँ यार, रोज़ा है, आप लोग को टूर दे रहा हूँ रोज़े में, थक गया हूँ टूर देते देते। खैर, तो लड़कियाँ आती हैं, उनको पढ़ना होता है बेचारे, उनको लाइट का बहुत मसला होता है, तो हम लोगों ने ये टेंशन ही दूर कर दी अपने अजलान गर्ल्स हॉस्टल में भी और ज़रान गर्ल्स हॉस्टल में भी, दोनों में हम लोगों ने सोलर लगा दी कि लाइट जाए ना, मसला होए ना आप लोगों को, ठीक है। तो भाइयों ये था, खैर बाकी नीचे जाके बात करते हैं। चले जी, फाइनल बात कर लेते हैं द ऑनर ऑफ हॉस्टल से कि वो हमारे मेरी ऑडियंस को क्या डिस्काउंट देंगे। ब्रो क्या डिस्काउंट है जो वीडियो देखकर आते हैं? यार ब्रो, जो आपकी वीडियो देख के आएगी हमारी बहन, उसको हम 15-20% डिस्काउंट जरूर देंगे। पक्की बात है ठीक है, बस इतना ही करवा सकता था भाई आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।